Students of class 8, now I am explaining you the further properties of the rational number, whole numbers and integers. And as I have not explained all the properties, you don't need any exercise to do. Only when all the properties are completed, then you have to try for exercise. I will tell about you. जब तक ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगी आपने एक्सरसाइज कब स्टार्ट करनी है, पहले प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर्स की बताई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो और इंटीजर्स हो, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, इवन द फ्रैक्शंस कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहले आप लोगों को मैं आप बताऊंगी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इन सब के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके बाद अब मैं बताऊंगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। और नेचुरल नंबर का मैं इसलिए अलग से नहीं बता रही क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स। सिर्फ एक ही चीज होती है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर की बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे सिर्फ अगर 0 को हटा के कोई और नंबर 1, 2, 3, 4 आप यूज करोगे तो वही चीज आपका होल नंबर का हो गया, मतलब नेचुरल नंबर का हो गया। अगर 0 को हटा देते हो तो नेचुरल नंबर का हो गया, 0 यूज कर रहे हो तो होल नंबर का हो गया। लेकिन होल नंबर में तो सारे होल नंबर आ जाते हैं ना, हो सकता है मैं होल नंबर में भी 0 यूज ना करूं, तो वो नेचुरल नंबर के लिए भी है और होल नंबर के लिए भी है, तो इसलिए नेचुरल नंबर का अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। अब मैं होल नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बता रही हूं। अंडर एडिशन, अगर आपके पास दो नंबर है, सपोज दे कैन बी नेम्ड एज ए एंड बी, तो दे कैन बी नेम्ड एज ए एंड बी, तो आप देखो जैसे मैंने लिया 2 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, तो 2 प्लस 0 वो 2 के इक्वल होगा। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब a प्लस बी की जगह b प्लस a कर दूं, इसी तरह से मैं 2 प्लस 0 की जगह 0 प्लस 2 कर दूं, तो वो भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। 2 प्लस 0 भी 2 होता है, 0 प्लस 2 भी 2 होता है, तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज ट्रू फॉर होल नंबर्स। सेकेंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी, सपोज देयर आर टू नंबर्स नेम्ड एज a एंड b, देन a माइनस b, a माइनस b, अगर मैंने a को 5 ऐड कर लिया और b को 7 ऐड कर लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 माइनस 7 इज माइनस 2, व्हाइल 7 माइनस 5 इज 2, दैट आर नॉट इक्वल। आप इंटीजर्स पढ़ चुके हो 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था उसमें कि जो बिगर इंटीजर का एक पॉजिटिव का होगा नंबर, एक नेगेटिव का होगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, और साइन किसका आता है, बिगर नंबर का, मतलब 7 के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 7 माइनस 5 इज 2, क्योंकि 7 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो वो क्या देगा आपको, प्लस 2, तो माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2। आपको पता है बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, इंटीजर्स के अंदर आप पढ़ चुके हो 2 और माइनस 2 अलग अलग होते हैं, इट मीन्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, आपने दो नंबर ले लिए 5 एंड 7, 5 प्लस 7 की 35 होता है, 7 इंटू 5 भी 35 होता है, तो बोथ आर इक्वल, इट मीन्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इट इज ट्रू। डिविजन, 5 डिवाइडेड बाय 7 और दूसरा हो गया 7 डिवाइडेड बाय 5, अब ये आपको दे देगा 5 बाय 7, ये दे देगा आपको 7 बाय 5। अब 5 बाय 7 एंड 7 बाय 5 बोथ आर डिफरेंट नंबर, सो अंडर डिवीजन इट इज नॉट ट्रू। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये ट्रू नहीं है, जबकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में ये ट्रू है। नॉट ट्रू के लिए आप क्रॉस भी लगा सकते। इन इंटीजर्स इन अ सिमिलर वे, इफ वी टेक टू इंटीजर -2 एंड 0, -2 एंड 0 आर टू इंटीजर, इफ वी एड देम तो -2 प्लस 0 इज -2 और 0 प्लस -2, प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, और 0 माइनस 2 इज -2, मीन्स प्लस माइनस द माइनस,
तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, तो बोथ आर इक्वल. इट मींस इन केस ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इट इज ट्रू. माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 मींस इफ देयर आर टू इंटीजर्स ए एंड बी देन ए प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू बी प्लस ए. इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इफ वी टेक टू इंटीजर माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 3 इफ वी सब्ट्रैक्ट देम, अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और माइनस 2 और माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर मतलब माइनस 3 को मैंने माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरी बार मैंने माइनस 2 को माइनस 3 से या माइनस 3 को माइनस 2 से, मींस ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों एक बार ए को आगे कर रही हूँ दूसरी बार दूसरे को आगे कर रही हूँ, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया. तो माइनस 2 प्लस 3 इज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया साइन विघटन का. और माइनस 3 प्लस 2 एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का सब्ट्रैक्ट कर दिया साइन विघटन का. अब यहाँ 1 आ रहा है या माइनस 1 आ रहा है, 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. इट मीन्स इन केस ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट ट्रू. अंडर एडिशन तो ट्रू है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है, लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए आ रहा है. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में ये इंटीजर के केस में भी ये ट्रू नहीं है. अब अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें हम इंटीजर्स की, तो माइनस 2 और 0 ही ले लिया सपोज मैंने, तो माइनस 2 इंटू 0 इज 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज ऑल्सो 0. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के केस में इंटीजर के केस में भी ये ट्रू होगा. आप कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हो, जैसे माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 इज 6 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज ऑल्सो 6. तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर इन केस ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन इट इज ऑल्सो ट्रू. अब डिवीजन की बात करें तो जैसे 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 है तो इट इज 0, बट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड आएगा ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो इन केस ऑफ इंटीजर डिवीजन के केस में ये ट्रू नहीं है. आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 क्या देगा आपको 2/3, और माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 तो 3/2, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो उसमें 2/3 आएगा, उसमें 3/2 आएगा. तो इन केस ऑफ डिवीजन इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में होल नंबर में भी ट्रू है, इंटीजर में भी ट्रू है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल नंबर में भी ट्रू नहीं है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इंटीजर के केस में भी ट्रू नहीं है. अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर में देखो, मैंने दो रैशनल नंबर ले लिए 5/7 एंड 3/5. मतलब बात एक तरह से जब मैं रैशनल नंबर की करती हूँ, वैसे तो होल नंबर इंटीजर नेचुरल नंबर ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर कहने का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शंस में लेना नंबर को, ताकि बच्चों को पता चले कि अगर हम किसी भी तरह का रैशनल नंबर लेते हैं तो क्या वो ट्रू होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो मैंने एडिशन में ले लिया 5/7 प्लस 3/5. अब एलसीएम ले लो आप इसमें, 7 और 5 का 35, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5, 5 का 25, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7, 7 इज 21, तो इट कम्स टू बी 46/35. और अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं, मतलब इस नंबर को आगे कर दूं और उसको पीछे कर दूं, तो भी मेरा एलसीएम लेने पर सेम नंबर आएगा. तो एडिशन के केस में ये रैशनल नंबर के केस में भी ये ट्रू है. ठीक, अब बात अगर मैं सब्ट्रैक्शन की करती हूँ, सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, तो पहले मैंने 5/7 लिया, फिर 3/5 लिया, दूसरी बार 3/5 माइनस 5/7, मतलब ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो दोनों नंबर अलग अलग आते हैं. कैसे, आप एलसीएम लेके देख सकते हो. इसमें आ रहा है 25 माइनस 21 दैट इज 4, इसमें आएगा 21 माइनस 25, मतलब बिगर का नंबर अगर आपका नेगेटिव का है तो ऑटोमेटिकली आप इसके साथ नेगेटिव का साइन लोगे, जैसे आप इंटीजर्स में लेते हो. तो ये 4/35 है, ये माइनस 4/35 है, तो दे आर नॉट इक्वल टू. अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स इट केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट ट्रू. मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5,
तो 5 × 5 × 5 ऊपर नीचे कैंसिलिंग भी कर सकते हो, तो ये आ रहा है आपका 3/7। दूसरे में भी 3/5 को आगे करके 5/7 पीछे करोगे तब भी कैंसिलिंग होगी, 5 × 5 × 5 तब भी 3/7। तो इनकी एसो मल्टीप्लीकेशन इट इज 2। डिवीजन की बात करें तो a डिवाइडेड बाय 5 ले लिया, फिर b डिवाइडेड बाय सॉरी a डिवाइडेड बाय b ले लिया, फिर b डिवाइडेड बाय a ले लिया। मतलब पहले 5/7 डिवाइडेड बाय 3/5, फिर ले लिया 3/5 डिवाइडेड बाय 5/7। आपको पता है जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो राइट हैंड साइड वाले का क्या लेना पड़ता है हमें, रेसिप्रोकल। मतलब 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3। डिवीजन को जब मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड। तो आपने 5/5 = 25, 3/7 = 21। दूसरे केस में भी इसी तरह से, अब मैंने 3/5 डिवाइडेड बाय 5/7 लिया तो राइट हैंड साइड पे 5/7 है, तो उसका रेसिप्रोकल लिया मैंने, तो ये हो गया 7/5। तो ये हो गया 3/7 = 21, 5/5 = 21। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डिवीजन। तो जब हम बात करते हैं, ये एक आप प्रूव कर सकते हो कि होल नंबर में जो चीज हो रही है वही नेचुरल नंबर में हो रही है, वही इंटीजर्स में हो रही है, और अगर मैं फ्रैक्शन में नंबर ले रही हूँ तो भी मेरी वही चीज है। कहने का मतलब है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स होल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर, इंटीजर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि जब भी हमारा कोई भी नंबर होगा जिसको मैं p by q की फॉर्म दे सकती हूँ, वो सारे के सारे मेरे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 यही होते हैं मेरे नंबर। तो 3 को मैं लिख सकती हूँ ना 3/1, तो मैंने इसको p by q की फॉर्म दी, और जहां मेरा q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अगर मैं नेगेटिव भी बोल दूं तो -5 को लिख सकती हूँ -5/1, तो ये p by q की फॉर्म है जहां मेरा q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ऐसे मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 5/7, तो 5/7 इज p by q फॉर्म, वेयर 7 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी हम लेते हैं फ्रैक्शन, इट शुडंट बी नॉट इक्वल टू, q शुड नॉट बी 0, तो q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी मैंने सारी आपको बता दी। अब उसके बाद है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चारों का हमने चेक करना होता है। जैसे एडिशन में इन दोनों नंबर को पहले ऐड करें, पहले दो नंबर को, जैसे सपोज मैंने 3 नंबर लिए होल नंबर के केस में, 5, 7 और 3, तो पहले मैं 2 नंबर को ऐड करूंगी, तीसरा नंबर बाद में ऐड करूंगी, और दूसरे केस में मैं ऑर्डर को चेंज कर दूंगी, b+c को ऐड करके, मतलब लास्ट वाले दो नंबर को ऐड करके फिर मैं तीसरा नंबर ऐड करूंगी, तो ऑर्डर चेंज हो गया मेरा। ऐसे सब्ट्रैक्शन के केस में पहले दो नंबर सब्ट्रैक्ट करके फिर तीसरा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें मैं पहले इन दो नंबर को ऐड करके फिर a में से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बट आप ट्राई करके देखना। मल्टीप्लीकेशन में पहले दो नंबर मल्टीप्लाई किया फिर तीसरा किया, उसमें पहले पीछे वाले दो को किया फिर पहले वाले को किया। डिवीजन में भी इस तरह से ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, a डिवाइडेड बाय b को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको c से डिवाइड करेंगे, इसमें a डिवाइड b माइनस c, b डिवाइडेड बाय c करके फिर a डिवाइडेड बाय, जो नंबर b डिवाइडेड बाय c करने के बाद आएगा, जैसे इसमें ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको मैं a में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इस तरह से b डिवाइडेड बाय c करने के बाद जो नंबर आएगा a डिवाइडेड बाय दैट नंबर कर दूंगी। तो इस तरह से आप लोग ये होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए ये सारा करके देखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। पहले होल नंबर के लिए करोगे, फिर इंटीजर के लिए करोगे, फिर रैशनल नंबर के लिए करोगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बताया था, और 2 दिन पहले मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का बताया था। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे नंबर भी दे दिए हैं, तो ये आप करके और व्हाट्सएप पे डाल देना फोटो खींच के।
थैंक यू।